हे गाइस व्हाट इज अप। तो दोस्तों अभी हम लोग का सफर शुरुआत होने वाला है जो कि धनबाद सफर है, यानी कि हम लोग जा रहे हैं लोग यादव परिवार में। तो चलिए दोस्तों अब सफर का जो भी एंजॉयमेंट होगा आपको इस ब्लॉग के माध्यम से मिलता रहेगा। तो देखिए हमारा और 65 परिवार में हम लोग जा रहे हैं, तो हैप्पी जर्नी। मिलते हैं ट्रेन के अंदर। तो चलिए दिखाते हैं ट्रेन में कितना मस्ती होता है जी। कितना मस्त है। चलिए तो देखिए दोस्तों ये रहा हम लोग का सीट। हम भी हैं। तवीज जी आ रहे मिलने आपसे। हम भी हैं। कुछ फ्रेंड यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग, कुछ फ्रेंड यहाँ पे और हमारा और आशुतोष का सीट यहाँ और वहाँ पर। बाकी लोग पैसेंजर हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये रहे आशीष, अनीस और चंद्रभूषण, अभिषेक जो कि जूनियर है हम लोग का, ये तीनों को जानते हैं। ये हमारे गार्जियन जी हैं, यादव परिवार से ताल्लुक रखते हैं। और चंद्रभूषण जी को दिखाइए, ये भी यादव परिवार से ताल्लुक रखते हैं। और तुम? हम सिंह परिवार से, सिंह जी के परिवार से। ओ भाई। और हम दास परिवार से। अमन, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ट्रेन की इस जर्नी में। तो देखिए दोस्तों हम लोग का ग्रुप सेल्फी जो कि यादव परिवार ग्रुप में आ चुका है। वहाँ पे जो तवीज जी वेट कर रहे हैं उनके लिए, ताकि उनको पता चल जाए कि हम लोग आ रहे हैं। यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम होने के चलते थोड़ा स्लो लोड हो रहा है। तो देखिए दोस्तों फोटो डाउनलोड हो चुका है और अभी आपको दिखाते हैं हम लोग ग्रुप सेल्फी जो लिए हैं। ये रहा हम लोग ग्रुप सेल्फी जो कि तवीज यानी राहुल भैया को जा चुका है और वो हम लोग का मोस्ट वेलकम कर रहे हैं। आपका भी वेलकम है। चलिए आपसे मिलते हैं आकर धन्यवाद, वेट कीजिए आप। तो ये देखिए दोस्तों टाइम हो चुकी है 3:17 और ट्रेन का टाइमिंग था 3:05, जो कि पूरे 12 मिनट लेट होने के बाद चल पड़ी है। और हम लोग का टिकट दिखाओ तो आशुतोष, ये रहा जो कि सहरसा से राजेंद्र नगर टर्मिनल है, यानी कि 2 आदमी का टिकट है और सब बाकी लिया हुआ है, सब अपने पास उधर बैठा हुआ है सब। हम नहीं लिए भाव। क्यों? ऐसे पैसा नहीं था भाव। मैं गरीब हूँ। देखिए फाइनली हम लोग ट्रेन चल पड़ी है। क्या रखा रे इसमें, क्या रखा है? हाँ तो देखिए दोस्तों इसमें इसके जरूरत के सामान है, जैसे कि चार्जर, ईयरफोन। भवन जी गए का जी? भवन जी गए हैं, हार्ट अटैक है। ठीक है ना जी? हैं भवन जी, रजनीगंधा खा के सो गए हैं। भवन जी ये मुंह दिखाई दे रहा है, रजनीगंधा का ये आप चला बन गया उसका क्या रे? क्या देख रहे हैं हर जी? जी देखिए अंबानी जी को, अंबानी जी के साथ हम लोग शादी में जा रहे हैं। छोटका अंबानी है। रूम में सब शार्क टैंक खुला हुआ है। जाने की राजा बोलो कुछ। यही है ब्लॉगर जिसका यूट्यूब चैनल है। ये हमारे दास जी है। बंदा को पैसा आने लग गया तो ब्लॉगिंग करना बंद कर दिया है। डिंपल क्वीन यही है। यही हमारी डिंपल क्वीन, ड्रामा हुआ है ना रे। सॉरी दोस्तों तबीयत खराब होने की वजह से इतना फ्रीक्वेंसी अभी प्रभार हम लिए हैं, आवाज नहीं आ रही है। अभी प्रभार आशुतोष हो गया है, अभी हम ब्लॉगिंग का प्रभार आशुतोष से लिए हुए हैं। उनके मुख से सुमधुर वाणियों का प्रयोग करते हुए हमारा ब्लॉग का आगे बढ़ रहा है। क्या है इसे मीडिया लाइन तो देखिए दोस्तों हम लोग अब पहुंच चुके हैं लोग राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन पे। भाई देखिए हम लोग पटना पहुंच चुके हैं, ठीक है ना? अब यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे और लिट्टी चोखा खाएंगे। जिंदगी में पहली बार सही बात बोले हैं। लिट्टी चोखा और भुजा पैको करने लग गया बंदा, सबसे पहले अनीस उतरेगा। क्या हुआ अनीस? ये जो लड़का जा रहा है साथ में हम लोग के, ये भी उधर से शादी करके आएगा। अच्छा पवन जी टाका तो भिड़िए गया होगा। टाका भिड़ाएंगे हम लोग वहाँ पे इसका।
तबीज जी इसके लिए को खोज दीजिएगा तबीज जी। तबीज भैया से मेरा नम्र निवेदन है कि पवन जी के लिए कुछ 28 साल हो 27 साल हो जो भी हो कुछ दीजिएगा भैया, रिक्वेस्ट है आपसे। चलो चलिए चलिए आ गया, ट्रेन भी रुक चुकी है, अब हम लोग उतरने वाले हैं। लोग तो देखिए भैया यही है राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन, जो कि अभी टाइम हो रहा है 21:38 यानी कि 9:38। देखिए सामने सुनील खड़ा हुआ है और यहाँ पे हमारे मित्र लोग, आशुतोष का मुंह उतरा उतरा है, क्या बात है ब्रो, माथा दर्द? ये भी है ये मेरा दोस्त है। और क्या है क्या हुआ पवन जी, गुस्सा क्यों हो गए? एनी फ्रस्ट्रेशन? तो चलिए भैया आप देखिए हम लोग सीढ़ी से उतरते हुए राजेंद्र नगर टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं लोग, और ये देखिए बाहर का नजारा। तो देखिए दोस्तों ये है राजेंद्र नगर टर्मिनल का लुक, कितना ही सुंदर और सुहावना है, और ये हमारे मित्र लोग। देखिए कितना मस्त लग रहा है यहाँ का लुक, ये रहा पुराना ट्रेन का लुक, कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे मित्र लोग डिस्कशन कर ताकि यहाँ से ट्रेन पकड़े कि पटना जंक्शन जाकर ट्रेन पकड़े, क्योंकि यहाँ से भी एक ट्रेन है जो कि थोड़ी देर है, लेट है, इसीलिए सोच रहा था कि उसी ट्रेन से जाए कि नहीं जाए या ऑटो से जाए, तो इसी पर डिस्कशन चल रहा है। इतना मस्त लग रहा है, शानदार सीन, बहुउद्देशीय दुकान यानी कि बहुत उद्देश्य से बना हुआ दुकान है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि जो नाम दिया गया है बहुत ही सब कुछ मिलने वाला है इसमें, इस दुकान में। देखिए यहाँ पे ऑटो सब का भीड़ लगा हुआ है, यहाँ पे ऑटो वाले खींच खींच कर बैठाएंगे ताकि उनका कुछ कमाई हो सके। क्या हुआ इसे चलना है? तो चलिए भैया हम लोग ऑटो में बैठ चुके लोग, तो भैया फाइनली हम लोग की ऑटो चल चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब डायरेक्ट ऑटो से उतरने के बाद आपको दिखाएंगे पटना जंक्शन का व्यू, बस बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग के माध्यम से। तो फाइनली पटना जंक्शन पहुंच चुके हैं, पीछे आपको हनुमान मंदिर दिख रहा होगा, देखिए बैक कैमरा करें कितना मस्त लग रहा है मंदिर, हनुमान मंदिर, रात का व्यू कुछ ही अलग, कुछ अलग ही होता है। ये देखिए पूरा चार छोटे का दुकान लगा हुआ है, और ये ओवर ब्रिज का नज़ारा, यहाँ से देखिए फ्लैट, और ये हमारे ऑटो वाले भैया लोग, यहाँ से पैसा का लेन देन हो रहा है। ये देखिए दोस्तों ये रहा न्यू पाल होटल यानी कि पाल जी का होटल, और चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर नाश्ता करते हैं लोग, और फिर यहाँ नाश्ता करके फिर निकलेंगे अपने मंजिल की तरफ। ओके बस बन रहे हमारे ब्लॉग के साथ, देखिए यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो पीयूष क्या ऑर्डर किया? एक मिनट, देखो मेन्यू दिख रहा है, शाही पनीर, पनीर बटर मसाला, शाही पनीर, पवन जी और भुजा वाला के लिए मशरूम मसाला। अच्छा देखिए क्या खा रहे हैं, पंजाबी तड़का खा रहे हैं, और हमारे पवन जी मशरूम के दीवाने, कहीं भी जाते हैं कुकुर मुत्ता दीवाने। पवन जी मशरूम आ गया, कैसा लग रहा है? कुकुर मुत्ता हाँ ठीक ठाक है। कितना रेटिंग देना चाहेंगे आप पाल होटल को, आउट ऑफ फाइव? आउट ऑफ फाइव? आउट ऑफ फाइव? पाँच में कितना? तीन। एक। ओ भाई मतलब बहुत ही गंदा है क्या सुनील? कोई नहीं अब तो मिल गया है, अब खाना ही पड़ेगा। आशुतोष भी खा रहा है, अनीस मजा आ रहा है, ये अभिषेक भी खा रहा है। चलिए हमारी भी प्लेट आ चुकी है और हम भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग अब खाना खा चुके हैं लोग, और ये रहा संप और मिश्री,
और अब निकलते हैं लोग अपने मंजिल की तरफ यानी कि जंक्शन पे। भैया मैं पेमेंट कर रहा है सर, क्या सीस हो गया पेमेंट। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग नाश्ता पानी करके अब निकल चुके हैं लोग अपने पटना जंक्शन की ओर और हमारे पहुंच ही आगे जाते हुए आराम से पहुंची। अभी टाइम हो चुका है 10:56 और हम लोग का ट्रेन है 11:30 में। टिकट तो बुक हो चुका है और अभी हम लोग जाकर देखेंगे कहाँ कहाँ हम लोग का सीट मिला हुआ है। सब तो छित्रा गया, अलग अलग है। ये रहा बजरंगबली का मंदिर, हनुमान मंदिर। ये देखिए सुनील, पटना जंक्शन आकर कैसा फील हो रहा है। देखिए गाइस, ये हमारे गार्जियन जी। हाँ, ये गार्जियन जी प्रणाम कर रहे हैं। क्या मांगे हमारे लिए? सब स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, हमारी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। 2 दिन से पूरा हालत खराब है, बुखार आ रहा है, जा रहा है। चलिए आपको बैक कैमरा करके दिखाते हैं व्यू कैसा है। देखिए हमारे अम्बानी साहब आ रहे हैं। अम्बानी सर का थोड़ा फोटो शूट हो जाए, फिर आप ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, पटना जंक्शन का व्यू कितना मस्त है। अरे हमारे अम्बानी साहब जा रहे हैं। हाँ, आ रहा है, रख रहे हैं। बस थोड़ा पटना जंक्शन का व्यू दिखा दें अपने YouTube फैमिली को। तो चलिए दोस्तों, फोटो शूट तो हो गया, आपको फोटो का क्लिप मिल रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पे आया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं जंक्शन के अंदर का नज़ारा। क्या दोस्त, देख रहे हैं ना कितना नाइंसाफी हो रहा है। वीडियो बनाने के चक्कर में वो सब फिर से रिटर्न चला गया है सर। देखिए वहाँ पे खड़ा है सर, देख रहे हैं ना कितना मेहनत करा रहा है सब। ब्लॉगर होने का फायदा उठा रहा है सर। चलिए अब अपना काम करते हैं। क्या दोस्त, इधर से अभी हम लोग 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है गाड़ी और इधर से हम लोग सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। अरे भाई कितना दूर है। अभी देखिए B2 है, हम लोग का सीट S1 में है। तो चलिए S1 आ चुका है और हम लोग अभी एंट्री मारने वाले हैं। ये भाई साहब, किधर है? दो यहाँ पे है। हाँ, दो यहाँ, एक वहाँ, फिर एक वहाँ, तीन वो यहाँ से लगातार है। हम लोग जा रहे अपने में। तो देखिए भाई साहब, हम लोग की ट्रेन चल चुकी है पटना जंक्शन से और ये रहे आशुतोष ब्रो। पवन जी कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। चलिए, और यहाँ चंद्रभूषण, इधर अम्बानी जी। अम्बानी जी कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए आराम से सोइए। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, अब मिलते हैं। अगर बीच में उठ गए तो फिर से आपको दिखाएंगे वीडियो करके, और नहीं उठे तो डायरेक्ट अब एक ही बार धनबाद में मिलेंगे स्टेशन पे। क्या दोस्त, फिल्टर उल्टर मार भाई। भाई ओरिजिनल कैमरा है, अंधेरा बैठा है ना। तो चलिए दोस्तों गुड नाइट, उठते हैं तो डायरेक्ट मिलते हैं आपसे। बस मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहिए।